रोमांच और रहस्य, ग्रसित चित्र, ये कहानी मेरी मम्मी ने मुझे सुनाई थी। कहानी मम्मी की आंटी के बारे में है। कहते हैं कि एक बार जब मेरी मम्मी की आंटी एक सुंदर दृश्य का चित्र बना रही थी, उनकी मुलाकात एक आत्मा से हो गई थी। है तो बहुत ही अजीब बात, लेकिन कभी कभी खिलौने, गुड़ियाँ, गहने, आईने और तस्वीरें और चित्र भी भूतग्रसित हो जाते हैं। चलिए छोड़िए, अब कहानी की तरफ चलते हैं। 1980 की बात है, मेरी मम्मी की आंटी दार्जिलिंग से एक चित्र खरीद कर लाई थी। उन्होंने घर आकर एक चित्रकार को ठीक उस चित्र की तरह का ही एक और चित्र बनाने के लिए पैसे दिए, लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि वो चित्रकार एक दुर्घटना में मर गया। उस चित्रकार के मरने के बाद आंटी ने एक दूसरे चित्रकार को वही चित्र बनाने का काम दे दिया। अगले ही दिन वो चित्रकार उस चित्र को वापस ले आया और उसने आंटी को बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। शाम को 7 बजे वो चित्रकार मेरी मम्मी की आंटी को वो चित्र वापस देने के बाद बोला, जी मैं इस जैसा चित्र नहीं बनाऊंगा। जब मैंने इसको बनाना शुरू किया, मुझे एक आत्मा दिखी और उसने मुझे कहा कि मैं इस जैसा चित्र ना बनाऊं। मैंने रात को 11 बजे चित्र बनाना शुरू किया था, पर जैसे ही मैं ब्रश उठाकर कैनवस पर रंग लगाता था, कोई मेरा हाथ कसकर पकड़ लेता था। पहले तो मैंने सोचा कि वो मेरा भ्रम था, लेकिन अगली बार भी मुझे ऐसा ही हुआ तो मैंने काम रोक दिया। मैंने लंबे बालों वाले एक आदमी की छाया देखी। मैं एकदम घबरा गया और मैंने काम रोक दिया। मेरी मम्मी की आंटी ने सोचा कि वो चित्रकार कोरी बकवास कर रहा था। उन्होंने वही चित्र बनाने का काम दो और चित्रकारों को भी दिया, पर उन्होंने भी वो चित्र बिना बनाए ही वापस कर दिया। उन्होंने भी बताया कि उनको तो दिन में ही वो लंबे बालों वाले आदमी की छाया दिखी थी। लेकिन जो उसके बाद हुआ, उसने मेरी मम्मी की आंटी को सुन नहीं कर दिया। एक रात वो खुद ही उस जैसा चित्र बनाने बैठ गई, पर जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, उनको भी वही छाया दिखी। आंटी को याद आया कि शायद उस पहले चित्रकार की आत्मा थी जो एक्सीडेंट में मर गया था। उस घटना के बाद तो आंटी बीमार हो गई। बहुत से डॉक्टर आए पर उनको ठीक नहीं कर पाए। आखिरकार आंटी के पति एक ऐसे आदमी से मिले जो दावा करता था कि वो उस प्रकार के बीमार लोगों को ठीक कर सकता था। उस आदमी ने आंटी को ठीक भी कर दिया। ठीक होने के बाद आंटी ने बताया, जब मैंने ये चित्र पहले चित्रकार को दिया था और कहा था कि उस जैसा ही चित्र बना दे, तो उस चित्रकार ने कहा कि अगर उसने वो पहला चित्र बनाया होता तो वो किसी और को उस जैसा चित्र नहीं बनाने देता। उसकी आत्मा उसके एक्सीडेंट में मरने के बाद उस चित्र में आ गई थी और सबको रोकती थी। आप माने या ना माने, पर मेरी मम्मी की आंटी आज भी कलकत्ता में रहती है और अब भी उनके पास वो चित्र है, पर उन्होंने उसको एक संदूक में बंद करके रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।